नसीर मुझे ये कहकर ले गए थे कि उनके किसी दोस्त ने खाना। अस्मा, ये सब निशानियां हैं, मान लो मेरी बात, ये लड़की मनहूस है, सब कदम है। अब ये कैसी बात कर रही हैं आप? सवाल सवाल की बात क्या करें? ए रुको 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 रुको, बात सुनो बात सुनो, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? है ठीक ही तो कह रही हूँ, ऐसे फल फ्रूट लेकर आते किसी घर आते हैं तो? क्या अजरा ने कहा था कि वासिफ की होने वाली बीवी मनहूस है? बोलो। अरे ये क्या बताएगी, ये तो खुद इतनी घुरनी है, है? ये, इसने ये बताया हम सबको कि वलीद का जो एक्सीडेंट हुआ वो इसकी वजह से हुआ है, है? बताया आप? वालेकुम अस्सलाम। बेटी आप कहाँ रह गई थी? अबू वो असल में सारा का भाई थोड़ा लेट आया, वो जैसे ही आया मैं घर आ गई। कमाल है, आप मुझे फोन कर लेती, मैं पिक कर लेता आपको। नहीं नहीं, उतनी देर लग जाती आपके भी आने में, इसीलिए मैंने कहा कि मैं उसी के साथ आ जाऊं। वासिफ का भाई कैसा है? तुम्हारी वासिफ से बात हुई है? नहीं, सारा इतनी बातें करती है कि वासिफ से बात करने का टाइम ही नहीं मिला। आप बताएं ना कैसा है उसका भाई? क्या हुआ अबू? जी शाइस्ता बेगम, बताएं बेटी को, आप कुछ उसे बताना चाह रही थी। नहीं, उसका भाई तो ठीक है पर उसके घर वाले ठीक नहीं है। क्या बात है? अरे बेटा कोई बात नहीं, वासिफ की बड़ी भाभी किसी बात पर गुस्सा कर रही थी, आपकी अम्मी समझी कि वो इन्हें सुना रही है। मुझे लगा नहीं, हकीकतन वो हमें ही बातें सुना रही थी। तो किसी घर वाले ने कुछ कहा नहीं? अरे बेटा उसने सामने आकर तो कुछ नहीं कहा, तुम्हारी माँ ने भी बस कानों पड़ी आवाज सुनकर ना खुद से ही कुछ अज्यूम कर लिया है। क्या कहा उनकी भाभी ने? ये तो तुम वासिफ से पूछो, मैंने कुछ सुना और कुछ नहीं सुना। पहले सुना कि फ्रूट कुछ खराब है, फिर सुना कि रिश्ता मनहूस है। तुम भी कमाल करती हो, खुद ही कह रही हो कि मैंने कुछ सुना कुछ नहीं सुना, ऐसी बेटी को कंफ्यूज कर रही हो। मैं इस बच्ची को कंफ्यूज नहीं, क्लैरिटी दे रही हूँ कि अभी भी वक्त है, हटा जा सकता है इस रिश्ते से। पर बेटे तुम परेशान मत हो, ऐसा करो वासिफ को फोन करो, तुम खुद उससे बात करो, हो सकता है कि वो तुमसे कुछ शेयर करे, कुछ तुम्हें बताए। मुझे ऐसे लगता है कि उनके घर वाले खुद भी उस सिचुएशन में थोड़े से अनकंफर्टेबल हो रहे। मैं कॉल करती हूँ वासिफ को अभी। हाँ तुम उसको फोन मिलाओ, उसको घर बुलाओ, बल्कि इधर मेरे सामने लेकर आओ, मैं उससे खुद बात करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, खामखा उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, बेटी खुद बात कर लेगी। बेटा आप खुद उससे बात कर लेना, अगर हम उसे बुलाएंगे शाइस्ता बेगम तो ये अच्छा नहीं लगेगा, अभी रिश्ते की बात चल रही है, वो कहेंगे कि लड़की के माँ बाप बुलाकर हमारे बेटे की जवाब तलबी कर रहे हैं। परत तुम उसे फोन नहीं करना, बल्कि उसके फोन के आने का इंतजार करो। तुम चेंज कर लो, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं मैं सारा के यहाँ से खाना खा के आई। लो तो हम इतनी देर से खाम खा तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कहाँ रह गए थे आप इतनी देर कर दी? भाई वो अशरफ के बेटे का अकीका था, वो सारे नमाजियों से उसने कहा कि भाई मेरे घर चले, खाना मेरे घर पे खाए। अच्छा अच्छा, नहीं कौन है अशरफ? अरे अशरफ जिसका घर बिल्कुल मस्जिद के साथ है, दिल्ली वाले। अरे अशरफ की अम्मा से तो तुम्हारी बड़ी दोस्ती है, वो जो बड़ी उम्दा किस्म की निहारी बना के बेचती थी अशरफ के यहाँ। अच्छा अच्छा, वासिफ कहाँ रह गया? भाई वो बाइक पे मुझे छोड़ने आया था ना अशरफ, उसके साथ बातें कर रहा है बाहर। अच्छा अच्छा, कमाल करती हो बेगम तुम, अच्छे खासे मूड में आई थी बेटी,
तुमने उसका मूड ऑफ कर दिया। हाँ, ससुराल से भी मूड ऑफ करके उसने घर ही आना है। इससे बेहतर है घर में ही मूड ऑफ करके बैठ जाए, कम से कम यहाँ पर मैं और आप तो हैं उसकी दिलजोई करने के लिए। बेगम बात समझने की कोशिश करो, हमारी बेटी फरहत वासिफ को पसंद करती है, उसके लिए दिल में फीलिंग्स रखती है। और सच पूछो तो मेरी अपनी भी यही ख्वाहिश है कि हम अपनी बेटी का रिश्ता वहां करें जहां हमारी बेटी खुद चाहे और उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, उसके अंदर फीलिंग्स हो उस लड़के के लिए। यकीन करो वासिफ बहुत अच्छा लड़का है। तो मैं कब कह रही हूँ कि वासिफ बुरा लड़का है? आप भी लकीर पीटे जा रहे हैं बिल्कुल अपनी बहन की तरह। बर्तन धो लो तो मेरे पास आना। तुम बाज नहीं होगी अपनी हरकतों से? बस अम्मा ने पटियां पढ़ा के भेज दी और यहाँ आ गए हम पर बमबारी करने के लिए। तुम्हारी धौंस में नहीं आने वाली अब, मैंने बता दिया तुमको। अच्छा देखा नहीं तुमने अपनी आंखों से है? जब अस्मा पे बात आई तो अदालत बर्खास्त। वैसे तो बड़ी भी मुझसे बड़े सवाल जवाब कर रही थी। उस वक्त अब्बू आ गए थे, अम्मी ने बिल्कुल ठीक किया। अगर अब्बू देख लेते ना और गुस्से होते। अरे किस बात का गुस्सा करते, काहे का गुस्सा करते हैं? किया क्या है मैंने? मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं क्यों डरूं फिर? देखो भाई, जब मेरा कसूर था ना, मैंने माफ़ी मांग ली थी तुम्हारी अम्मा से, लेकिन अब मेरा कसूर नहीं है तो फिर जिसका कसूर है ना उसको बुलाओ, और अगर तुम अपने असल के हो ना तो बोलो वासिफ को कि मुझसे माफ़ी मांगे। बस ये बात है ना, अपने भाई से क्या करो, समझ गई? अब एक लफ्ज़ ही बोलो ना तो ज़बान खींच लूंगा तुम्हारी। अच्छा अच्छा ज़बान खींच लो, लो लो मारो मुझे मारो, बस अब यही कसर बाकी रह गई कि तुम मुझ पे हाथ उठाओ है? अरे कब अकल आएगी तुम्हें? तुम्हारी बीवी को कोई कुछ भी बोल देता है और तुम चुप करके खड़े सुनते रहते हो, और तुम्हारा भाई क्या कुछ नहीं बोल दिया उसने मुझे है? तुमसे एक लफ्ज़ नहीं बोला गया उसको? चलो मैं मानती हूँ कि तुम्हारी माँ बड़ी है, वो कुछ ना कुछ कहती रहती है मुझे, उसकी मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन अब तुम्हारे छोटे भाई भी मुझे पलट पलट कर जवाब देंगे और मैं चुप करके खड़ी सुनती रहूंगी? वो ना बोल दूंगी उनका मैं। जब तुम उसकी बीवी को मनुष्य बोलोगी तो जवाब तो देगा ना वो तुम्हें? हाँ तो तुम कुछ उससे सबक ले लो, उसकी बीवी को मनुष्य कहा तो उसकी आग लग गई, और तुम्हारी बीवी को पता नहीं क्या क्या कहते रहते, लेकिन तुम पर तो कोई असर ही नहीं होता है। मैं बता रही हूँ तुम्हें, अगर वासिफ ने मुझसे माफी नहीं मांगी ना तो बहुत बड़ा हंगामा होगा इस घर में, उसका जीना हराम कर दूंगी मैं यहाँ पे। हाँ बता दिया मैंने। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। हाँ तो मत बोलो ना, मत बोलो, तुम अपनी माँ की जुबान बोलते हो, यही सिखाया तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को? एक की चार लगाती है बुढ़िया। तुम यहां क्या कर रहे हो? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं? कमरे में घबराहट हो रही थी इसलिए हवा खाने के लिए आ गया। तुम्हें भाभी से बात करनी होगी, मैं चला जाता हूं। मुझे तुमसे बात करनी है। ये क्या सीन है असमु भाभी वाला, बताओ। असमु भाभी की इजाजत के बगैर मैं नहीं बता सकता, उन्होंने मना किया। ये सब बात अजरा भाभी को पता हो सकती है लेकिन तुम मुझे नहीं बता सकते। मुझे खुद नहीं पता वासिफ भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हारे एक्सीडेंट से असमा भाभी का क्या ताल्लुक है? क्यों बुलाया था तुम्हें? मैं कल आमिर की तरफ जा रहा था, असमा भाभी की कॉल आई मेरे पास। वो कहती तुम जहां कहीं भी हो मुझे यहां से आके फौरन ले जाओ। वो बहुत घबराई हुई थी, मेरे पूछने पर उन्होंने पीआईबी कॉलोनी के पास कोई क्लिनिक था उसका एड्रेस बताया। उनकी रास्ते में फिर कॉल आई, कॉल रिसीव करते हुए मेरा ध्यान नहीं रहा और मेरा एक्सीडेंट हो गया। तब भी तुम होश में आते ही अस्मा भाभी का पूछ रहे थे और नसीर भाई चौंक गए थे,
लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये बात अजरा भाभी को कैसे पता। लेकिन तुम्हें बुलाया क्यों था उन्होंने? मुझे खुद भी नहीं पता, उन्होंने मुझे नहीं बताया। लेकिन अम्मी पूछ लेंगी, तुम उधर फोन करो, तुम्हारे इन लॉज बहुत गुस्से में गए थे, पूछो क्या सूरत हाल है। यार मैं उनकी कॉल का वेट कर रहा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही उन्हें कॉल करने की। और फरहत की अम्मी, वो तो मेरे खुदाफिज का जवाब भी देके नहीं गई। ये बताओ, अजरा भाभी की आवाज कमरे तक आ रही थी? अब उठ के जा रहे थे, अम्मी ने रोक दिया। ये अजरा भाभी भी ना हद कर देती हैं। अच्छा तुम परेशान मत हो, अम्मी अब्बू संभाल लेंगे, और वैसे भी उनके अब्बू हमें खाने पे इनवाइट करके गए हैं। मैं कह रहा हूं ना परेशान मत हो, तुम्हारा भाई जख्मी हुआ है, अभी मरा नहीं है। या मरने की बात मत करना, मैं पता भी है मैं कितना परेशान हो गया था, मेरी जान निकल गई थी जब तुम नहीं मिले थे। वाकई परेशान हो गए, आइंदा कभी मत करना। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो किसी को नहीं बताना चाहती थी अम्मी, मुझे नजीर के गुस्से से बहुत डर लगता है, शाज़ेब भी अपने बाप से डरने लगा है अम्मी, उसके दिल में उनके लिए नफरत पैदा हो रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अपने बाप से नफरत करे, मैं तो जो सह रही हूँ वो सहती रहूंगी, लेकिन मैं किसी भी सूरत अपना बच्चा जाया नहीं करूंगी अम्मी। किसी की मजाल नहीं है कि कोई जबरदस्ती तुमसे ऐसा करवाए। आप कसीर से कुछ मत कहिए, वरना खामखा घर में फिर से लड़ाई होगी। मुझे तो डर है अजरा भाभी अब्बू को ना बता दे जाके, उन्हें पता कैसे चला? वलीद तो नहीं बता सकता ना। तुमने वलीद से आज इसके बारे में कोई बात की? वो पूछ रहा था कि मैंने उसे क्लिनिक क्यों बुलाया। बस फिर अंबर ने चलते फिरते में बात सुन ली और जाके अपनी माँ को बता दी। अच्छा बस ना, बस अब रोना बंद, बीमार हो जाओगी इस तरह से। हिम्मत करनी है तुम्हें, हिम्मत करो बेटा। मैं अब नसीर के साथ कहीं भी अकेली नहीं जाऊंगी, डर लगने लगा है मुझे उनसे, तो रात में उनके साथ सोते हुए भी डरती हूँ। आपने नसीर पे गुस्सा मत कीजिएगा, वरना वो समझ जाएंगे कि मैंने कोई शिकायत लगाई है। उन्होंने मुझे सख्ती से कहा था कि इस बात का घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा बस ना, बस सोना बंद करो। इस तरह से तुम करोगी ना तो तुम्हारे होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। सब यही कहते हैं कि अगर ज्यादा ज़हनी दबाव हो ना तो बच्चा कमजोर हो जाता है। तो बहुत हिम्मत करना बेटा, बहुत हिम्मत करना। और मैं नसीर से जरूर बात करूंगी, अगर नहीं करूंगी तो बहुत उलझ जाएगी बात। वो फिर भी ना समझा फिर मैं तुम्हारे अबू से बात करूंगी। तो फिक्र नहीं, फिक्र नहीं करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी पानी आया? हाँ टैंक भर दो, अभी वलीद की जगह कुछ दिन तुमने काम करना है। अच्छा
क्या हो रहा था भाई? पंप ऑन किया तो अम्मी ने कहा टैंकी भी फुल कर दो। चलो वलीद की नौकरी तुम्हें मिल गई। यार ये अजरा के साथ तुम्हारा क्या झगड़ा हुआ है? क्या बहस हुई उस? यार जमाल भाई, उसे कोई भी कसम ले ले, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की थी उनके साथ। अजरा भाभी सबके सामने इतनी ऊंची ऊंची आवाज में बोल रही थी कि तुम्हारी होने वाली बीवी मनहूस है, और ये बात तो फरत की अम्मी बुरी भी सुनी है। फरत की अम्मी तो जाते वक्त मुझसे सीधा मुंह बात तक नहीं करके गई। यार तंग आ गया मैं ये रोज रोज के झगड़ों से। है बंदा थक हार के घर आता है तो सुकून ही नहीं है। घर आओ तो अम्मी एक हाथ खींच के अपनी तरफ ले जा रही होती है, बीवी एक हाथ खींच के अपनी तरफ ले जा रही होती है। दुकान पे बैठो तो घर से फोन आ रहा था, बेगम साहिबा कहती जल्दी घर आ जाओ, अम्मी कह रही थी फौरन घर पहुंचो। यार ये सास बहू के झमेले कभी खत्म नहीं होंगे। आई तुम नहीं समझोगे, जिस दिन तुम समझ गए ना उस दिन तुम भागे भागे आओगे और कहोगे जमाल भाई अब ठीक कह रहे। अपना नसीर ठीक है भाई, ना माँ की सुनता है ना बीवी की सुनता है, अपनी धुन में मगन रहता है। एक मैं हर एक का एहसास, हर एक का एहसास भाई। बेहिस आदमी बिल्कुल ठीक है, तादम जिंदा रहता है वो। नसीब में व्यस्त तो नहीं है, बेहिस है अपनी बीवी और बच्चों के मामले में। लेकिन हाँ खुश नसीब है कि उसको अस्मा जैसी साबिर बीवी मिल गई। एक बात याद रखना, ये सास बहू का मसला कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये जब तक मर्द का कचूमर ना निकाल देना इन्हें सुकून नहीं आएगा। यार डराए तो बस। मैं भाई डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। खुश नसीब हो तुम कि तुम्हें कोई समझाने वाला मिला है, वरना मर्द जो है ना माँ और बीवी के बीच में तराजू लेके बैठा रहता है, सरासर पलड़ा ऊंचा नीचे हुआ, जिंदगी बर्बाद हराम तबाह। यार अजरा ने मुतालबा किया है कि उससे हाथ जोड़ के माफी मांग लो। भाई मैं टैंक चेकअप गया था। जाओ बेटा, कॉफी पी लो। नहीं अम्मी मेरा दिल नहीं है अभी। वासिफ से बात हुई? उसने फोन नहीं उठाया? अम्मी मैंने उसे कॉल ही नहीं किया, हमेशा मैं ही क्यों पहल करूं बात करने में, वो भी तो कभी पहल करे ना। अच्छा आप क्या सोच रही हैं? नहीं कुछ नहीं। बताएं। फरत मैं तुम्हें लेकर बहुत कंसर्न हूं और तुम्हारे अब्बू इस बात को बिल्कुल नॉर्मल ले रहे हैं। मुझे रह रहे कि अजरा की बातें याद आ रही हैं। हम वहां 30 से 40 मिनट बैठे हैं, इतनी देर में मेरा उसकी बातों ने खून खोला दिया और तुमने तो वहां दिन रात रहना है। अम्मी आप क्या कहना चाह रही हैं कि हम वहां से रिश्ता खत्म कर दें? तुम एक दफा वासिफ से बात कर लो, देखो वो क्या कहता है, फिर सोचते हैं। अम्मी वासिफ बहुत अच्छा लड़का है। बेटा
जितनी दूर मैं देख सकती हूँ तुम नहीं देख सकती। ये वक्ती जज्बाती लगाओ दायमी घाव ना बन जाए। एक आप है जिसका वो लिहाज करती है, आपके सामने बोलती नहीं, और मैं नहीं चाहती कि वो आपको इस तरह जवाब देना शुरू करे। अरे ज्यादा किलकिल करती है तो अलग करो उसे, हम उसके बाप का नहीं खाते कि उसकी। देखिए एक को अलग करेंगे ना तो बाकी बहुओं भी कहेंगी अपने शौहरों को कि हमें भी अलग करवाओ। नहीं नहीं अस्मा ऐसी नहीं है। ठीक है अस्मा ऐसी नहीं है, मगर आगे भी तो दो बहुओं ने आना है ना। वो क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी, उठ क्यों गए? तबीयत ठीक है, बस मैं जमाल से बात करना भूल गया दुकान बंद करने के बारे में। इसमें परेशानी की क्या बात है, सुबह बता देगा वो। क्या हुआ सो क्यों नहीं रहे? मैं दुकान करने की सोच रहा हूँ तारिक रोड की तरफ, ताकि वासिफ और वलीद वहीं बैठें। इन दोनों की शादी हो जाएगी तो एक दुकान से गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर बिस्मिल्लाह करें अल्लाह खैर करेगा। हाँ मगर काम ठंडा है आज का, पहले वबा के दिनों में दुकानें बंद रही, अब ये बिजली का मसला खड़ा हो गया है। बस यही सोच रहा हूँ कि पैसे लगाऊं या ना लगाऊं, हाथ तंग है। तो फिर अभी ना करें, वनीत की शादी में अभी वक्त है, साल दो साल के बाद कर लीजिए। दुकान की जगह बहुत अच्छी है, हाथ से निकल गई तो फिर नहीं मिलेगी। खैर जमाल से मशवरा करूँ। अल्लाह खैर करेगा, जिसने कारीगर से आपको कारखाने का मालिक बना दिया वो आइंदा भी अपना कर्म करेगा। मैं सोच रहा था कि आज वासिफ की शादी की तारीख तय हो जाती, मगर उन्होंने कोई बात ही नहीं की। तुमने बात की? जमाल को बताया कि क्या हरकत की है अजरा ने? हाँ मैंने बताया था जमाल को, उसने अच्छी तरह से डांट दिया। बस अब आप बात मत कीजिएगा। ये तुम मुझे रोकती क्यों हो अजरा को कुछ कहने से? इस तरह उसे और शय मिलती है। बोलो अब क्यों नहीं बोल रही? बे कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? अजरा का दिमाग समझने के लिए ना किसी को साइंसदान होना चाहिए घर में। एक आप है जिसका वो लिहाज करती है, आपके सामने बोलती नहीं, और मैं नहीं चाहती कि वो आपको इस तरह जवाब देना शुरू करे। अरे ज्यादा किलकिल करती है तो अलग करो उसे, हम उसके बाप का नहीं खाते कि उसकी। देखिए एक को अलग करेंगे ना तो बाकी बहुओं भी कहेंगी अपने शौहरों को कि हमें भी अलग करवाओ। नहीं नहीं अस्मा ऐसी नहीं है। ठीक है अस्मा ऐसी नहीं है, मगर आगे भी तो दो बहुओं ने आना है ना। वो जब जमाल अपने मुंह से नहीं कह रहा तो आपको क्या जरूरत है कि खुद से कहने की? जो कुछ घर में होता है होता रहे, मगर आज तो बाहर वालों के सामने तमाशा बना दिया इसने। वासिफ ने कुछ कहा था? अरे भैया रहने देना, किसी ने कुछ कहा किसने नहीं कहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप अपने कारखाने के मामला संभाले, घर मैं संभाल लूंगी। और अब सो जाए, सुबह आंख नहीं खुलेगी फजर के लिए। चलो सुनाओ। नींद आ रही है।
तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि कल तुम्हारा टेस्ट है? अब जब तक तुम्हें याद नहीं हो जाएगा ना, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। चलो सुनाओ। My country name is Pakistan. It came into being on 14 August 1947. Pakistan has four provinces: Sindh, Punjab, Balochistan, KPK. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was the founder of Pakistan. He was the leader of Muslims. The capital city of Pakistan is Islamabad. Bhool gaya. चलो अब अच्छी तरह पहले इसको याद करो, फिर मुझे सुनाना। अच्छे से याद करो, फुल मार्क्स आने चाहिए तुम्हारे। चाचू, साइंस के टेस्ट में मेरे फुल मार्क्स आए। दिखाओ मुझे। नहीं नहीं रुको, पहले तुम इस बैठ के याद करो। इधर आओ। अच्छे मार्क्स आएंगे तो चॉकलेट लेके दूंगा। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। कहाँ थे तुम? भाभी सहन में था, वो मैंने टैंक में पानी भरने के लिए कहा था। वलीद का सारा काम तुम्हारे जिम्मे आ गया ना? भाभी आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। फरद की ना तो कोई कॉल आई है ना कोई मैसेज, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे खुद से कॉल करूं कि नहीं। फरद से तो तुम्हें पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। क्या बात करता भाभी, अगर उसके पेरेंट्स ने उसको सब कुछ बता दिया होगा तो क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा उसको? और अगर सच पूछे तो मुझे लगता है कि मुझे खुद से उसे कॉल नहीं करनी चाहिए। और अजरा भाभी ने तो हद ही कर दी। ऊपर से जमाल भाई, वो कह रहे हैं कि अजरा भाभी चाहती हैं कि मैं उनसे माफी मांगूं, और ये बात जमाल भाई मुझे खुद बता रहे हैं। आप और मेरी बात पर यकीन करने के बजाय वो अजरा भाभी की बात भी यकीन कर रहे हैं। फिर तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, मैं तो बगैर कुछ कहे उठ गया था, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आया। आप ही बताएं कि मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उनसे मैं माफी मांगूं? मेरे होने वाले सास ससुर के सामने इतनी शर्मिंदगी हुई अजरा भाभी की वजह से, और ऊपर से मैं ही माफी मांगूं? पता नहीं क्या पटियां पढ़ा दी अजरा भाभी ने। अच्छा खैर, तुम अजरा भाभी को छोड़ो, तुम फरहत से बात करो। फरहत का फोन होगा। समन की कॉल है। हाँ समन, खैरियत इस टाइम कॉल की? जी वासिफ भाई, वो वलीद की खैरियत पूछने के लिए फोन कर रही थी। उसके पास फोन है नहीं तो मैंने सोचा आपको फोन करूं। सो तो नहीं रहा वो? अच्छा एक मिनट, मैं रूम में जाके बात करवाता हूँ उससे। पट्टी चेंज करवाई उसकी? हाँ हाँ बदलवा दी थी। एक तो वलीद VIP हो गया सबके लिए, सबको उसी की परवाह है। अच्छा ये लो बात करो वलीद से। समन, मैं लैपटॉप ले रहा हूँ, मुझे असाइनमेंट करना है। हेलो कैसे हो? यार अब तो काफी बेहतर हूँ, दर्द भी कम हो गया है। अच्छा मैं कल तुम्हारे लिए ना स्पेगेटीज बना के लाऊंगी। अम्मी ने बोला है कि मिर्च मसाले कम रखें ताकि तुम्हारे जख्मों पर असर ना हो। बता इसलिए रही हूँ ताकि कल शाम का खाना नहीं खाओ तुम। हम्म, नहीं डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ जख्म पे पानी नहीं लगना चाहिए। हाँ तो ख्याल करना तुम, कहीं सर गीला करके नहीं बैठ जाना। ठीक है। Thank you.
डब्बा सुल्तानपुर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके जेरे आबा गए। बैठो बेटे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुहिरा अरब में तूफान का खतरा है। तूफान शिमाल मगरिबी सम्त बढ़ेगा। पाकिस्तान का कोई भी साहिली इलाका खतरे में है। अरे बेटे ARY न्यूज ही लगा रहने दो, एक ही तो न्यूज चैनल है जिसमें कुछ जेन्युइन न्यूज आ रही है आजकल, बाकी तमाम न्यूज चैनल्स पे तो लगता है प्रोपेगेंडा हो रहा है। मुल्क के हालात भी कुछ अजीब से हैं, एक पल कुछ अगले पल कुछ। बेटी फरहत, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में भी एक पल कुछ हालात होते हैं और अगले पल कुछ और। बेटे आपकी वासिफ से बात हुई? उसका नंबर बिजी जा रहा है। देखो बेटा, अपनी माँ की बातों में आकर कोई फैसला उजलत में ना करना, टेक योर टाइम। अबू अम्मी शायद ठीक ही कहती हैं, मैं उस घर में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। आज से पहले तो अम्मी भी मुझे समझाती थीं कि मुझे उस घर में कैसे एडजस्ट करना, लेकिन आज तो वो खुद इतना अपसेट हो गई। आप मुझे डिटेल में बताएं तो वहां हुआ क्या आखिर। हाँ शायद आप ठीक कह रही हैं बेटे, लेकिन मैं समझता हूं कि शादी एक ऐसा फैसला है जो लड़की को खुद लेना चाहिए। यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन। हाँ लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि वासिफ से पहले एक दफा बात जरूर कर लो आप। अबू मैंने उसकी कॉल का इतना वेट किया है और जब उसने मुझे कॉल नहीं की तो मैंने उसे खुद कॉल कर दी, लेकिन उसका नंबर तो बिजी जा रहा है। पता नहीं रात के इस पहर वो किससे फोन पर बातें कर रहा है। नहीं नहीं बेटे, इस तरह से बदगुमान नहीं होते, यूं दिल में खदशात पैदा करना अच्छी बात नहीं है। इट्स ओके, आप सुबह का इंतजार कर लें, सुबह बात हो जाएगी। ओके ऐसे नहीं, ये जो मुंह बनाया हुआ है आपने, ये उदास सा, मुझे ये उदास सी बेटी नहीं चाहिए। गिव मी अ स्माइल एंड से गुड नाइट। अच्छा गुड नाइट। गुड नाइट and sweet dreams. और हाँ फरहत बेटे, ये पानी की बॉटल फिल कर देना, ये ना हो कि सुबह आपकी मामा जो है वो मुझसे भी गुस्सा करें और आपको भी डांटे। ठीक है अबू। अस्सलाम वालेकुम बेबी बाजी। आए हाय शहनाज, हम पर कयामत भी गुजर गई और तुम्हारा कुछ अता पता ही नहीं है। वैसे तो बड़ा बेबी बाजी करती हो, जब वक्त पड़ा तो गायब हो गई गधे के सर से सींग की तरह। अब आओ बैठो। हमारी अम्मी तो अपनी बेस्ट फ्रेंड का कब से इंतजार कर रही हैं कि वो कब आएगी और अपने दिल का बोझ हल्का करेंगी, है ना अम्मी। एक काम करती हूँ, मैं अंदर जाके खा लेती हूँ, है आप लोग आराम से बातें करें, वो भी जो मेरे सामने नहीं कर सकते। बैठ जाओ। इतने दिनों बाद आई हो, इतना सड़ा हुआ मुंह बना के क्यों खड़ी हो भाई? आओ शनाज। बस बाजी अब नहीं आऊंगी, जब भी आऊं इतनी बातें सुना देती है, हो क्या गया इसे? खड़ी सुन रही होगी, इसे तो लड़ने के लिए कोई ना कोई चाहिए, कोई नहीं मिलेगा ना तो हवा से लड़ने लगेगी। कहाँ गायब थी? समन ने बताया नहीं तो वलीद के एक्सीडेंट का? बताया था बाजी, बस मैं जरा साबरा को देखने चली गई, बहुत तबीयत खराब है उसकी। शाम को आने का सोचा तो आपके भाई के साथ जाना पड़ गया, उनके दोस्त के बेटे का निकाह था ना, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, बस वो जबरदस्ती में साथ ले गए। अस्मा अस्मा, चाय बना दो शहनाज को।
अरे नहीं नहीं बाजी, इसकी जरूरत नहीं है, अभी अभी पीकर आ रही हूँ। अस्मा आएगी बावर्ची खाने में तो ये जाएगी ना। ये बात तो है, ऐसा करती हूँ, इसे ही कहती हूँ हमारे लिए चाय बना दे। अरे हाँ भाई, तू सच में यहाँ खड़ी होकर चुप कर हमारी बातें सुन रही है? शहनाज, मैं तो तुम्हें बता नहीं सकती, इसने तो मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। कल तो मैंने जिस तरह घर संभाला है ये तो मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह। तुम्हारे भाई ने तो साफ लफ्जों में कह दिया कि इन दोनों को अलग कर दो। क्यों, ऐसा क्या हो गया था? वासिफ के सास ससुर आए हुए थे, इसे तो जैसे मौका मिल गया रंग में भंग डालने का, तुम्हें तो पता है ना इसका। अरे बाजी, मेहमानों को तो नहीं कुछ सुना दिया इसने? इसने तो पूरी कोशिश की तमाशा लगाने की, अस्मा को बातें सुनाई कि वासिफ के ससुराल वाले सड़े हुए फ्रूट लाए हैं, फिर कहने लगी वासिफ की होने वाली बीवी मनहूस है। उसे हद करती है ये। ना जमाल भाई ने कुछ नहीं कहा इसे? जमाल था ही नहीं घर पे, और वो होता तो ये उसका भी लिहाज ना करती। ये तो ये चाहती है कि हम सब हाथ जोड़ कर इसे अलग कर। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे भाई का गुस्सा संभाला, वो तो अल्लाह ने मदद की कि मगरिब की अजान हो गई और वो नमाज पढ़ने मस्जिद चले गए। आपने बताया उसको? हाँ बताया, बात अस्मा पर डाल दी। क्यों, अस्मा ने क्या किया? शनाज, वो तो एक अलग किस्सा है, लंबी कहानी है, अभी नहीं बता सकती। मेरे घर से कॉल आ रही है, मैं कॉल रिसीव करता हूँ। यार तुम कॉफी क्यों नहीं पी रही हो अपनी? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं तुम्हें कल रात से कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा नंबर कहाँ बिजी था? मुझे कॉल कर रही हूँ, कब? तकरीबन 12:30 बजे तक मैंने तुम्हें कॉल की थी। ओ अच्छा। ओ अच्छा क्या मतलब है, तुम किससे बात कर रहे थे? वो मैं बात नहीं कर रहा था, वो वलीद बात कर रहा था समन से। तुम्हारे नंबर पर क्यों झूठ बोल रहे हो मुझसे? मैं क्यों झूठ बोलूंगा, वो असल में एक्सीडेंट के वक्त वलीद का फोन खो गया था तो समन ने मुझे कॉल की। कॉल रिकॉर्ड दिखाऊं क्या?